गाइस मैं हूँ एचपी के ऊपर रजिस्ट्री में रिव्यू करने वाला हूँ न्यू आरएस 720 क्यूब का। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन से। तो इस क्यूब की साइज है 56 मिलीमीटर जो हर एक क्यूब की साइज होती है और ये एकदम नॉर्मल साइज है। इसका वेट है 93 ग्राम्स, तो थोड़ा बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे इसका वेट पसंद है और वैसे भी जब हम सोल्व करते हैं तब इसका वेट हमें मालूम नहीं पड़ता है। और इसकी प्राइस है 749 रुपीज ट्यूब वेलो पे। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक को यूज करेंगे तो आपको 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके सेट्स की। तो इसके सेट्स मयू के हाफ ब्राइट सेट्स है और इसके सेट्स काफ़ी ठीक ठाक है, मुझे तो अच्छे लगे हैं। और इसका जो सरफेस है वो फ्रोस्टेड है, अगर ग्लोसी होता तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन 749 रुपीज में और ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो बात करते हैं इसके इंटरनल डिज़ाइन की। तो इसके इंटरनल डिज़ाइन पहले जो क्यूब थी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे हम ट्रैक देख सकते हैं जो कि WRM 2019 में है, वैसा ही है। और इसके इंटरनल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसमें 3x1 जो मैग्नेट वो देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही वीक है, इसलिए मैंने ऊपर से मैग्नेट्स ऐड किए हैं जिससे इसकी जो मैग्नेट स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स इसके मैग्नेट बहुत वीक है, लेकिन आप मैग्नेट ऐड करेंगे तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बात करते हैं इस क्यूब की कॉर्नर कटिंग से। इस क्यूब की कॉर्नर कटिंग बहुत ही अच्छी है, ये स्मॉल कॉर्नर कटिंग बहुत ही एफर्टलेस करती है। हालांकि थोड़ी सी जो बिग कॉर्नर कटिंग होती है जैसे कि 45 डिग्री, तो यहाँ पर थोड़ी स्नैपी हो जाती है, लेकिन जो स्मॉल कट्स होती है जिसे हमें स्मॉल और शॉर्ट में जरूर होती है वो बहुत अच्छी तरह से कर। इसकी रिवर्स कॉर्नर कटिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन इस रिवर्स कॉर्नर कटिंग में जो स्मॉल कट्स होते हैं वो बहुत आसानी से करता है। इसकी टर्निंग बहुत ही कैचलेस है, इसमें आपको कैच नहीं आएंगे। मैं जब सोल्व करता हूँ तो मुझे थोड़े सोल्स में सिर्फ एक या दो ही कैचेस आते हैं। तो इस क्यूब को मैंने ल्यूब कर दिया है, तो थोड़ा सा ल्यूब बाहर आ गया है। तो क्यूब ले लो के क्यूब बैग से मैं ल्यूब साफ कर देता हूँ। एक्चुअली क्यूब ले लो क्यूब बैग फेंकता था इसलिए कि हम उसे ल्यूब जो क्यूब है वो साफ कर सकें। तो बात करते हैं मयू आरएस 720 के स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम का। तो जो मयू के जो स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आरएस में आपको 9 से 9 सेटिंग्स को टोटल मिलेंगी और आप उसे एक्सेलरेटर बुक में दी गई हुई टूल से या फिर अपनी फिंगर से आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। यह जो स्प्रिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ा सा चेंज करने से पूरी क्यूब की फील बदल जाती है। तो मैंने ये सिस्टम नंबर 1 पे रखी है और मैं आपको 2 या 3 रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि मुझे फास्ट क्यूब पसंद है तो मैंने 1 पर रखी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा सेटिंग पर रखेंगे तो ये क्यूब काफ़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो अंदर की जो स्प्रिंग होती है वो कंप्रेस होती है इसलिए। तो बात करते हैं इस क्यूब के फाइनल थॉट्स की। तो ये क्यूब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इस प्राइस पे इससे अच्छा बेहतर क्यूब हमें कोई मिल ही नहीं सकता। ये मेरा क्यूब मेन है, मैंने इसे वॉल्क एंड टेंजेंट से भी मेन किया है, क्योंकि ये इस क्यूब में अगर हम जो एल्गोरिथम करना चाहते हैं वो आसानी से एफर्टलेस हो जाते हैं, जो कि बहुत मेन चीज़ है इस क्यूबर, क्योंकि हम जब कंपटीशन में जाते हैं तो ये बहुत हेल्प होता है। और कंपटीशन के अंडर प्रेशर में भी RS 320 बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता है, उसमें कैचेस भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें सोल्व भी कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा क्यूब मेन है। और इसकी जो टर्निंग है वो स्मूथ है, जो एडजस्टमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, इसलिए मैंने इसे मेन किया है ओवर वॉल्क एंड टेंग्यून। और जब हम इसमें वेट 1 DNM 37 एंड मिस्टिक का कॉम्बिनेशन डालते हैं तो ये बहुत ही फास्ट एंड स्मूथ हो जाता है और उसके साथ साथ कंट्रोलेबल। मयू के क्यूब्स होते हैं वो बहुत ही कंट्रोलेबल होते हैं और उसके साथ साथ बहुत ही फास्ट भी होते हैं, इसलिए ये क्यूब मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें कंट्रोलेबल एंड जो स्पीड है उसका अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इस कॉर्नर कटिंग भी अच्छी है एंड ये एफर्टलेस कॉर्नर कटिंग करता है और उसमें कैचेस भी नहीं है, इसलिए यह क्यूब मेरा मेन है। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।